हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। स्मार्टफोन होने के बावजूद अगर आप उसको एक स्मार्ट तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ कर पाएंगे उसके लिए आपके पास होनी चाहिए कुछ स्पेशल चीज़ें जो कि आपके स्मार्टफोन में होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो भाई आज के समय में जिसके पास जितने ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका शो ऑफ पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल वे लेकर के आया हूँ जहाँ से आप सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू 7 टाइप्स के OTT प्लेटफॉर्म का मजा ले पाएंगे। फुल्ली इंटरटेन्ड आपको करने वाले हैं ये सभी OTT प्लेटफॉर्म, वो भी सिर्फ एक एप्लीकेशन में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी भी तरीके की फेक एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट का मजा ले पाएंगे विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, किसी भी तरीके की फेक एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन की बात नहीं करने वाला हूँ जो कि थर्ड पार्टी ऐप है। मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप किसी भी तरीके की कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करें। इससे होता क्या है कि थर्ड पार्टी ऐप तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है उसको लीक करती है और इसी वजह से आपके पास अलग अलग तरीके की फेक कॉल्स वगैरह आती रहती हैं और कभी ना कभी आप स्कैम में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं 7 टाइप्स के ऐसे कमाल के OTT प्लेटफॉर्म जो कि आपको हर तरीके से एंटरटेन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं G5 के जितने भी OTT कंटेंट हैं वो इसके साथ ही आप देख सकते हैं, जैसे कि यप TV है, वूट है, समेरो है, यहाँ तक कि आप डिस्कवरी के जो नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं वो भी देख पाएंगे किसी तरीके के सब्सक्रिप्शन लिए बिना। तो भाई अगर हम इन सभी OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो केवल G5 का ही सब्सक्रिप्शन 500 से लेकर के 600 के बीच में आता है। ऐसे ही अगर हम लोग वूट का देखें तो 300, 500 और 600 ऐसे करके इसका सब्सक्रिप्शन है। और इसी तरीके से डिस्कवरी का भी देखा जाए तो वो भी आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 300 या फिर 400। तो देखिए आप एक स्मार्टफोन तो यूज़ करते ही हैं और स्मार्टफोन के साथ साथ आप उसमें रिचार्ज करते हैं, महंगे महंगे रिचार्ज 300, 400, 600 ऐसे करके बहुत सारे रिचार्ज के प्लान्स हैं, वो तो आप करते ही हैं। तो क्यों ना आप ऐसा रिचार्ज करें जहां पर आपको ये सभी कंटेंट आपको मिल जाए फ्री में। तो यहां पर मैं जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और यहां पर जा करके आपको राइट डाउन करना है VI मूवीज। दोस्तों जो ये VI मूवीज एप्लीकेशन है ये आपको सभी OTT प्लेटफॉर्म जो अभी मैंने आपको बताए हैं इन सभी OTT प्लेटफॉर्म की सर्विस आपको दे देता है फ्री में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है क्या VI कंपनी पागल है जो आपको ये सभी OTT कंटेंट देता है वो भी बिना किसी तरीके के सब्सक्रिप्शन लिए बिना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको करना क्या है, कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपको VI का सिम लेना पड़ेगा और VI का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो अगर आप जियो के यूजर्स हैं या फिर एयरटेल के यूजर हैं तो उनमें भी आपको रिचार्ज कराना पड़ता है और लगभग जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका सभी का प्लान लगभग लगभग सेम टू सेम एक जैसा ही है। अब VI का प्लान लेने के बाद होगा क्या, आपको ये सभी जो OTT प्लेटफॉर्म मैंने आपको अभी बताए हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब एक डाउट और आता है मन में कि भाई जो G5 एप्लीकेशन है वो हमें देता है जी के जितने भी लाइव चैनल्स हैं उनकी फैसिलिटी देता है, उनकी आपको सर्विस देता है। ऐसे ही जो वूट है वो हमें कलर्स के जितने भी लाइव चैनल्स हैं वो देता है और जो यप TV है यहाँ पर आपको जो फ्री चैनल्स हैं जो DD फ्री डिश में आपको मिलता है वो देता है। तो क्या ये सभी चीज़ें आपको VI मूवीज में देखने को मिलेगा? तो दोस्तों VI एप्लीकेशन बड़ा ही कमाल का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप जो है OTT कंटेंट के साथ साथ लाइव TV का भी मजा ले पाएंगे। वो कैसे, वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको पता है कि जो G5 ऐप है यहाँ पर आपको जी के जितने भी चैनल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही जो वूट का एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको कलर्स के सारे TV चैनल मिलेंगे और इसके साथ ही जो डिस्कवरी का यहाँ पर आपको जितने चैनल हैं ये सभी आपको लाइव चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यप TV के भी कुछ ऐप्स हैं उनके भी आपको लाइव TV चैनल वगैरह मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि JioTV भी तो अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पर आप लाइव TV वगैरह देख सकते हैं। वो बात ठीक है कि JioTV में आप लाइव TV वगैरह देख सकते हैं लेकिन वहाँ पर आप किसी भी तरीके से वेब सीरीज़ वगैरह या फिर जो लेटेस्ट मूवी रिलीज़ होती हैं जैसे कि G5 पर रिलीज़ होती हैं उस तरीके की चीज़ें आप पे नहीं देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि Jio का जो JioTV है उससे
किस तरीके से ये डिफरेंट है वीआई मूवीज। अभी अपने मन में एक डाउट और है, वो ये है क्या हम अपने स्मार्ट टीवी में, अपने पीसी में वीआई मूवीज ऐप का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आप अपने स्मार्ट टीवी में वीआई मूवीज ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपने पीसी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और नीचे जो बेल आइकन वो प्रेस करना है। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।